आज क्या बात है, सब लोग बाहर जा रहे हैं। और कौन जा रहा है? कृतिका। ये कहाँ जा रही है? ये अपने फ्रेंड के घर जा रही है लंच करने। अच्छा। अब तेरे से छोटी सी हेल्प चाहिए। जी बताओ। बात ये है कि घर पे अब सिर्फ दो गाड़ियाँ हैं। हाँ जी। दो गाड़ियाँ सर्विसिंग के लिए गई है, और जो दो गाड़ियाँ घर पे है वो एक पृथ्वी जी की है और एक तुम्हारी है। तो मैं चाहती थी कि आज के लिए तुम अपनी गाड़ी कृतिका को दे दो। चाची, मैं अपनी गाड़ी क्यों दूं कृतिका को? उसकी शादी भी होगी ना, वो भी पृथ्वी के साथ, वो देगा उसको अपनी गाड़ी? जाओ जाओ उसके पास जाओ। मेन मामी, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी अमेजिंग सी गाड़ी देने का। मैंने पृथ्वी जी से पूछ लिया था, उन्हें कहा भी था कि काम करते हैं, मार्केट जाते हैं, मामा जी की दवाइयाँ भी ले आएंगे, पर उन्होंने बोला कि उन्हें अपनी मामा के यहाँ जाना है कुछ काम से, तो दवाइयाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, इसलिए मांगनी पड़ रही है। ओके ओके ओके, रिलैक्स कर, मैं तुझे तेरी दोस्त के घर ड्रॉप भी कर दूंगा, उसके बाद तुझे पिक भी कर लूंगा। ओके, हैप्पी। थैंक यू सो मच। मैं पर्स लेके आऊं अपना? अरे जल्दी जल्दी। अरे हां, आई ना। मैं भी भूल गई, प्रीता की तबीयत ठीक नहीं है। सर में बहुत दर्द है, उसे दवाई देनी है। मैं प्रीता के पास जाती हूँ। हाय सिस्टी, बोलो। तुम मुझे कितनी देर में मिल रहे हो बस स्टॉप पे? अरे मैं बस स्टॉप पे क्यों मिलूंगा यार, मैं तुम्हारे घर आता हूँ ना, वहाँ से तुम्हें पिक करूंगा, उसके बाद साथ में पुलिस स्टेशन चलेंगे। ओके ठीक है। ओके, बाय द वे तुम्हें पता है ना, मम्मा तुम्हारे घर गई है। वो एक्चुअली उन्होंने दी से फोन पे बात की थी, तो आई थिंक दी का सर दर्द दे रहा था, तो आई थिंक वो उन्हीं से मिलने गई है। वैसे दी कैसी है? अभी राखी चाची उनको दवाई देने गई है, एंड आई एम श्योर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय बाय बाय। हेलो, अपनी लंबू से बात कर रहे थे ना, चलो रोमांटिक करो ना, उठा लो, वापस फोन कर लो। हाँ, वापस फोन करो, शर्माओ, चलो चलो। चोरी पकड़ी गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम पिक्चर के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ। तुम इतना वक्त लगा रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट 11 बजे की थी, 10:45, इतना टाइम क्यों लगा रही हो तुम? तुम मेरे हस्बैंड बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जो कि हो नहीं। तुम्हें पता है ना, इस घर में दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया कि तुम मुझे क्लिनिक लेके जा रहे हो, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और क्या हर वक्त मेरे कमरे में आते रहते हो? कोई अगर देख लेगा तो तुम्हें पता है ना। और सुनो, हम एक साथ नहीं निकल सकते, तो कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार तुम्हारे कमरे में आने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आया? तुम वक्त लगा रही थी इसलिए आया, मुझे भी पता है हम एक साथ नहीं जा सकते। जब तक तुम चिल्लाते रहते हो, जो बोलते रहते हो, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता। I'm sorry. कहा ना, हार्मोन प्रेगनेंसी। I'm really sorry. ये जो तुम्हारे हार्मोन्स है, ये दुनिया के 8वें अजूबे है, क्योंकि जब तुम्हें गुस्सा आता है तब तुम बहाना दे देती हो हार्मोन्स, जब किसी पे प्यार आता है तब वो देती हो हार्मोन्स। किस पे प्यार? नहीं, राखी आंटी पे। बहुत प्यार लुटा रही थी ना उनपे, तो उसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करो ना मेरे साथ भी। दुनिया का सारा गुस्सा मेरे लिए स्टोर्ड है तुम्हारे। I'm sorry, baby. Sorry. ओके फाइन, देखो वक्त नहीं हमारे पास, पहले तुम निकलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अपनी गाड़ी मत उठाना, थोड़ा सा चल लेना 2 मिनट, मैं अपनी गाड़ी उठा के तुम्हें पिक कर लूंगा।